हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रोड तो कनेक्ट किया गया है पिछले 2 दिन से। सो अब सबके जहन में यही क्वेश्चंस होगा कि गाड़ियों को क्यों नहीं छोड़ रहे, आखिर रोड तो कनेक्ट किया गया है। तो सबके जहन में यही क्वेश्चन होगा, और अगर ऐसी बात है तो दोस्त कमेंट करने की क्या आपके जहन में या आपके दिमाग में ऐसी क्वेश्चन है जो मैं कह रहा हूँ कि कब क्यों नहीं छोड़ रहा है गाड़ियों को। सो उसके अपडेट जानने के लिए दोस्तों मैं फिर से आपके पास आया हूँ सो क्लिप्स लेके। तो उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और हाँ चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। बाकी बात करते दोस्तों कि जैसा कि यहाँ पे आज इनॉग्रेशन करने वाला था, या जैसा कि 15 तारीख को इनॉग्रेशन का टाइम रखा था, यानी उस दिन कुछ गाड़ियों को छोड़ दिया जाता था इनॉग्रेशन के लिए, कल दिन का रखा था बर्ड। उनका अब कहना है कि दोस्तों उसको थोड़ा एक्सटेंड किया गया है आगे की ओर, 16 या 17 तक चला गया है। लेकिन अब क्या रीज़न है, क्या कंडीशन है, मैं नहीं जानता। बट इतना न्यूज़ मुझ तक पहुंचा तो सोचा कि अपने ऑडियंस तक शेयर करना पड़ेगा। वाकई इतना ही दोस्तों। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि तैयारियाँ चल रहा था BRO टीम के ऑफिसर्स के लिए एंड विजय टीम के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों। बाकी यहाँ पर अब क्या काम कर रहा है BRO टीम और विजय टीम ने तो अपना जिम्मेदारी निभा दी है। बस यार, आप उनके हाथ में है जो ऑफिसर्स होते हैं वो कब छोड़ेगा, क्या कंडीशन उस हिसाब से छोड़ेगा। वैसे भी वो ठीक कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि अब रोड भी उतनी अच्छा रोड नहीं है दोस्तों BRO टीम की तरफ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा एवलांच आए हुए हैं तो कभी भी बर्फ़ के तोड़े गिर जाते हैं, जिस बिना पर थोड़ा इंसिडेंट बन सकते। इस वजह से इन्होंने शायद एक्सटेंड किया गया है। बाकी इतने अपने हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। सो इतना ही दोस्तों अपडेट। बाकी उम्मीद आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो उससे मुलाकात होगी जी किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जा रहे हो दोस्तों, क्या आपको अपडेट नहीं चाहिए जोजिला टनल के रिलेटेड, कमेंट करने की जल्दी से नीचे कमेंट करना, ताकि आपको मैं इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करूँ जोजिला टनल के अपडेट। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो गेंडर का लुक कितना अच्छा लगा।